नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, 21 दिनों की योगा सीरीज में आज हम आपको खड़े होकर किए जाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाले बहुत ही अच्छे और सरल अभ्यास हैं। जो लोग योग में बिगनर्स हैं, उन लोगों ने इन अभ्यासों को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर के जोड़ जोड़ों के अंगों पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है। यह अभ्यास को करने से जिन लोगों के शरीर में कड़ापन होता है या जो लोग कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के शरीर के कड़ेपन को दूर करने के लिए यह बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इन अभ्यासों को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही सम स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करें। आपका पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो, कम से कम 10 सेकंड 20 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास को करने से हमारे पैर काफ़ी मजबूत बनते हैं और यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े समस्त विकारों को दूर करने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर नीचे फिर दूसरी साइड से श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे मोड़ते हैं और किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए कम स्टार्टिंग में 10 सेकंड फिर 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर नीचे ऐसे ही दोनों पैरों से कम 4 से 5 बार कीजिए। फिर नीचे इसके बाद हम करेंगे उत्कट आसना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर आपने ऐसे बैठने की कोशिश करते हैं और ऐसे पंजों के बल आपने बैठना है। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी और सीधे देखिए कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। और फिर सीधे ऐसे ही इसे 2 से 3 बार कीजिए। और फिर इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे थोड़ा सा और स्पेस बढ़ा लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर सीधे करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने एक काल्पनिक कुर्सी पर ऐसे बैठना है। पंजों के बल आपने बैठना है। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी और ऐसे सीधे देखें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना सकते हैं और इस अभ्यास को ऐसे ट्विस्टिंग के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लें, ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लें। फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से फिर सीधे। के बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 1.5 से 2 फीट का ऐसे स्पेस रख लें और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर इसके बाद हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और फिर आपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुकना है और पैरों के अंगूठों को छूते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऊपर को आइए, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही इसे कम से कम 15 बार क्लॉकवाइज करते हैं, श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। यह अभ्यास हमारे ऊपरी शरीर और निचले शरीर को स्ट्रेच करता है। जितनी बार आप क्लॉकवाइज करेंगे उतनी ही बार फिर विपरीत दिशा में करें। फिर विपरीत दिशा में ऐसे दोनों पैरों के अंगूठों को छूते हुए सीधे। के बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्थित हस्त पाद अंगुष्ठ आसन। आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को सीधा करें, जितना सीधा आप कर सकते हैं ऐसे सीधे। और फिर ऐसे
राइट साइड लाते हैं और ऐसे अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटा सकते हैं, तो ऐसे कान के पास सटा लें और ऐसे सीधे ऐसे अपने पैर को जितना ऊपर को आप उठा सकते हैं, कम से कम 10 सेकंड तक या 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से हमारे पैर काफ़ी मजबूत बनते हैं। ऐसे सेंटर में, फिर ऐसे और फिर नीचे, फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने हाथ की दो उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें और ऐसे किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें, ऐसे अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटाते हुए ऐसे सीधे फिर नीचे, ऐसे ही दोनों साइड से इसे कम से कम 2 से 3 बार कीजिए। अगर इस अभ्यास के थोड़ा एडवांस अभ्यास को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इसे भी जरूर प्रैक्टिस करें। और ऐसे अपने दोनों हाथों को कमर के पास रख लें, अपने हाथ की दो उंगलियों से ऐसे पैर के अंगूठे को पकड़ लें, श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को सीधा करते हैं, ऐसे ऐसे अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटा लें और पैर को जितना ऊपर को आप उठा सकते हैं ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हुए इस अभ्यास को ऐसे ही उत्थित हस्तपाद अंगुष्ठ आसन की पोजीशन पर आते हैं, किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए और फिर नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरे पैर से भी कीजिए। ऐसे अपने हाथ की उंगलियों से ऐसे पैर के अंगूठे को पकड़ लें, ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा करें जितना ऊपर को आप कर सकते हैं। और फिर नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को दोनों पैरों से 4 से 5 बार कीजिए।